आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है मराठास, राइज ऑफ मराठा, मराठास कैसे राइज हुए। आप भी मेरे साथ जो है इसे नोट डाउन करें, राइज ऑफ मराठास। राइज ऑफ मराठास, स्टार्टिंग से बात करेंगे मराठास के बारे में। सबसे पहले जो होते हैं वो होते हैं शाहजी भोसले। शाहजी भोसले और इनकी वाइफ होती है जीजाबाई। शाहजी भोसले और इनकी वाइफ कौन सी होती है? जीजाबाई। अब इनका जो बेटा होता है वो होता है शिवाजी। शिवाजी इनके बेटे होते हैं, मराठा किंग शिवाजी। जो इनके बारे में हम जो डिस्कशन करेंगे वो मैं आपको जब मुगल एम्पायर के बारे में जब आपको मैं पढ़ाऊंगा उस वक्त हम इनके बारे में जो है एक डिटेल से डिस्कशन करेंगे। ये इसके मैं आपको इनकी क्रोनोलॉजी जो है वो बता रहा हूँ। शाहजी भोसले जीजाबाई इनके बेटे होते हैं कौन से? शिवाजी। अब शिवाजी के होते हैं दो बेटे। शिवाजी के कितने बेटे होते हैं? दो बेटे। एक होते हैं राजा राम एक बेटा इनका होता है, और दूसरा होता है संभाजी। संभाजी राजा राम और संभाजी शिवाजी के दो बेटे होते हैं, और संभाजी का बेटा होता है शाहू जी। सांबाजी के बेटे होते कौन? शाहू जी। ये जो मैंने फैमिली ट्री बनाया है इसके बारे में पूरी हम डिस्कशन करेंगे। अब राजा राम, सांबाजी और शाहू जी किसके बेटे हैं? सॉरी, शिवाजी के बेटे राजा राम, सांबाजी और उसके बाद इसके बेटे शाहू जी। अब शिवाजी के डेथ के बाद, जैसे शिवाजी की डेथ होती है, इन दोनों भाइयों में वार ऑफ सक्सेशन स्टार्ट हो जाती है। एक कहता है कि मैं तख्त पर बैठूंगा, दूसरा कहता है कि मैं जो है किंग बनूंगा। ठीक है, आफ्टर शिवाजी डेथ, शिवाजी की डेथ के बाद क्या होता है? वार ऑफ सक्सेशन होती है। वार ऑफ सक्सेशन बिटवीन किस चीज के बीच में? संभाजी और राजा राम के बीच में। बिटवीन राजा राम एंड सांबाजी। सांबाजी और राजा राम के बीच में जो है वार ऑफ सक्सेशन स्टार्ट होती है। इसमें क्या होता है, जो सांबाजी होते हैं वो जीत जाते हैं। सांबाजी इमर्ज विक्टोरियस। सांभाजी राजा राम को हरा के जो है वो किंग बन जाते हैं। बट लेटर ही वाज कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड बाय मुगल। एग्जीक्यूटेड बाय मुगल्स। यहां तक आप सबको क्लियर है? फिर आगे हम नेक्स्ट बढ़ेंगे। आगे शाहजी बोलते जीजाबाई, उनका बेटा शिवाजी, शिवाजी के दो बेटे राजा राम सांबाजी, और सांबाजी के बेटे होते हैं शाहू जी। अब जैसे शिवाजी की डेथ होती है, सांबाजी और राजा राम के बीच में वार ऑफ सक्सेशन जो है स्टार्ट हो जाती है। आफ्टर शिवाजी डेथ वार ऑफ सक्सेशन बिटवीन स्टार्ट बिटवीन राजा राम एंड सांबाजी। सांबाजी इमर्ज विक्टोरियस, जिसमें सांबाजी जीत जाते हैं। बट लेटर ही वाज कैप्चर्ड एंड एग्जीक्यूटेड बाय मुगल्स। बाद में मुगल उन्हें पकड़ते हैं और मुगल उन्हें मार देते हैं। नेक्स्ट, ये आप नोट डाउन कर लें, स्क्रीन जो वीडियो देख रहे हैं वो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब मैंने आपको बताया शिवाजी के बारे में, उनके दो बेटे। दोबारा से इसलिए मैं बना रहा हूं ताकि आपको जो है क्लियरली ये समझ आए। और राजा राम
सांबाजी, और सांबाजी के बेटे कौन से? शाहू जी। ठीक है, यहां तक आप सबको क्लियर है? राजा राम सांबाजी और सांबाजी के बेटे शाहू जी। मैंने आपको कहा दोनों के बीच में वार ऑफ सक्सेशन होती है, सांबाजी जीते हैं, लेकिन बाद में सांबाजी को मुगल्स के द्वारा, मुगल्स क्या कहते हैं, कैप्चर करते हैं और मार देते हैं। उसके बाद सांबाजी गए, राजा राम थे, अब राजा राम किंग बनेंगे। नेक्स्ट कौन बनता है? किंग राजा राम। अब राजा राम क्या कहते हैं? ही टुक मराठास टू न्यू हाइट। मराठा एम्पायर को नई उंचाइयों पे जो है वो राजा राम ले जाते हैं। अब राजा राम की डेथ हो जाती है, He died at 17 में उनकी जो है वो डेथ हो जाती है। अब राजा राम की डेथ हो गई है, अब उसके बाद क्या होता है, इनके माइनर बेटा होता है एंड वॉज सक्सीडेड बाय हिज सन, बाय हिज माइनर सन, बाय हिज माइनर सन। कौन होता है इनके बेटे जो होते हैं? वो है शिवाजी, शिवाजी नाम होता है, वो शिवाजी फर्स्ट आ गए, ये शिवाजी पहले आ गए, शिवाजी इसलिए इनको शिवाजी हम फर्स्ट कहेंगे, उनको कहेंगे क्या, शिवाजी सेकंड। और उनकी मदर होती है एंड हिज मदर, कौन सी होती है मदर उनकी, नाम उनका होता है तारा बाई एज ए रेजेंट। रेजेंट का मतलब आपको समझ में आया क्या? मराठा को राजा राम न्यू हाइट पे ले जाते हैं। अब राजा राम जो है 17 में इनकी डेथ हो जाती है, और उसके बाद उनके जो माइनर बेटा होता है नाबालिग बेटा शिवाजी सेकंड छोटा होता है, और उनकी माँ होती है कौन सी, ताराबाई। अब ताराबाई शिवाजी के बिहाफ पे रूल करती है, ताराबाई किसके बिहाफ पे रूल करती है, शिवाजी के बिहाफ पे। यहाँ तक आप सबको क्लियर है, फिर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हम आगे की ओर चलते हैं। यहाँ मैंने आपको बताया सांबाजी, सांबाजी के बेटे शाहू जी। अब शाहू जी का क्या रोल है, अब शाहू जी के बारे में डिस्कस करते हैं। अब शाहू जी जो होते हैं औरंगजेब के टाइम में इनको बंदी बना के रखा होता है औरंगजेब, ही वाज इम्प्रिजन्ड बाय औरंगजेब इन 1689। He was released in 1707 after the death of Aurangzeb। यार मैंने सारा आपको पढ़ाया, आपने अगर मुगल एम्पायर लेटर मुगल जो है वो देखा, मैंने उसमें आपको बताया था शाहू जी को कौन रिलीज करता है, बहादुर शाह फर्स्ट शाहू जी को रिलीज करता है, छोड़ता है, बहादुर शाह को बंदी बनाया होता है, कैदी बनाया होता है। किसने? औरंगजेब ने इन 1689 में, 1699 में उनको बंदी बनाया जाता है और रिलीज किया जाता है, छोड़ा जाता है। कब? 1707 में, किसके रूल में? मैंने आपको कहा था आप वीडियो जो है ना मेरी, अगर आप पहली वीडियो से देखेंगे ये देखो, आप ये देखोगे आपको समझ नहीं आएगी, ये जो है इंटरलेटेड है। ऊपर मैंने आपको कहा था मुगल एम्पायर वीक हो रहा है, अब मुगल एम्पायर वीक हो रहा है उसी की वजह से तो नीचे स्टेट्स जो है वो राइज हो गई है। मराठास राइज कर रहे हैं, हैदराबाद मैसूर जो है वो राइज कर रहे हैं, बंगाल राइज कर रहा है। अब 1707 में इसको बहादुर शाह के टाइम में छोड़ा जाता है, और उसके बाद औरंगजेब की डेथ के बाद 1707 में बहादुर शाह के टाइम में इनको छोड़ दिया जाता है। अब मैंने आपको बताया था बहादुर शाह क्या करता है, इन्हें किंग तो घोषित नहीं करता। अब नीचे यहाँ पे कौन है? ताराबाई। अब ताराबाई है, और दूसरी तरफ अब शाहू जी है। अब शाहू जी क्लेम करते हैं थ्रोन किसका? महाराष्ट्र का। शाहू जी कहते हैं महाराष्ट्र का जो, सॉरी जो इनका मराठा का जो किंग जो है वो तो मैं हूं। अब नेक्स्ट इसके बारे में हम आगे अभी डिस्कस करेंगे। अब शाहू जी रिलीज हो गए हैं, अब वॉर होगी इन दोनों के बीच में, शाहू जी और ताराबाई के बीच में। शाहू जी क्या करते हैं? शाहू जी क्लेम करते हैं थ्रोन को। शाहू जी कहते हैं मराठा किंग तो मैं हूं। अब सिविल वॉर होती है इन दोनों के बीच, सिविल वॉर
ब्रोक आउट बिटवीन किस किस के बीच में होती है, अभी मैंने आपको बताया ताराबाई एंड शाहू जी फोर्सेस। ताराबाई और शाहू जी के बीच में सिविल वार होती है। एक बात और आप इंपॉर्टेंट याद रखना, शाहू जी जब रिलीज होते हैं, शाहू जी को रिलीज करने में मदद करता है कौन, बालाजी विश्वनाथ मदद करते हैं और शाहू जी को रिलीज करवाते हैं। आप ताराबाई और शाहू जी फोर्सेस के बीच में सिविल वार ब्रोकआउट होती है, इसमें क्या आता है, इन विच शाहू जी जीत जाते हैं। अब शाहू जी के साथ होता कौन है, मैंने आपको कहा विद द हेल्प ऑफ बालाजी विश्वनाथ, विद द हेल्प ऑफ बालाजी विश्वनाथ। ओके, बालाजी विश्वनाथ हेल्प करते हैं और शाहू जी जीतते हैं किससे, ताराबाई से। और ये बैटल कहां पे होती है, बैटल ऑफ होती है खेद, बैटल ऑफ खेद होती है इनके बीच में जो बैटल होती है, कौन सी होती है, बैटल ऑफ खेद। अक्टूबर कब होती है, अक्टूबर 1707 में। इन दोनों के बीच में जो बैटल ऑफ खेद होती है अक्टूबर 1707 में, जीता कौन है, मैंने आपको बताया कि शाहू जी है, वो जीत जाते हैं। और शाहू जी क्या करते हैं, बालाजी विश्वनाथ को टाइटल देते हैं, बालाजी विश्वनाथ को टाइटल देते हैं, कौन सा, बालाजी विश्वनाथ को टाइटल देते हैं सेना करते, कौन सा टाइटल देते हैं, सेना करते। सेना करते मतलब होता है फोर्स का ऑर्गेनाइजर, ऑर्गेनाइजर ऑफ फोर्सेस। सेना करते यार ऑर्गेनाइजर ऑफ फोर्सेस। और क्या इन्हें टाइटल मिलता है, पेशवा का, पेशवा होता है चीफ मिनिस्टर या जिसे मुख्य प्रधान कहा जाता है, और कौन सा टाइटल इन्हें देते हैं, पेशवा का। यहां तक आप सबको क्लियर है, अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर, बालाजी विश्वनाथ के बारे में डिस्कस करते हैं, जो थे फर्स्ट पेशवा किसके, मराठा के। बालाजी विश्वनाथ, विश्वनाथ कब से कब तक इनका रहना है, 1713 से 1720 के बीच में, मैंने सब कुछ आपको बता दिए हैं, फर्स्ट पेशवा हैं किनके, मराठा के फर्स्ट पेशवा, फर्स्ट पेशवा। पेशवा मैंने आपको बताया ना क्या होता है, चीफ मिनिस्टर या मुख्य प्रधान जिसे कहा जाए, फर्स्ट पेशवा और सेना करते जो इनका टाइटल है। सेना करते मतलब होता है कि फोर्स के ऑर्गेनाइजर। अब ये फर्स्ट पेशवा आते हैं, मैंने पहले भी आपको कहा था, अगर आपने मेरा वो लेटर मुगल्स का जो चैप्टर वो देखा, मैंने आपको बताया था ये किस, कौन से मुगल, कौन से एम्परर के पास जाते हैं, फारूक सियार, मुगल एम्परर फारूक सियार के पास जाते हैं, विजिट करते हैं। ही हेल्प मराठास फॉर द कलेक्शन ऑफ, किसी कलेक्शन के लिए जाते हैं, मैंने आपको बताया था ना चौथ और संदेश मुखी, अगर आपने मेरी वीडियोस देखी है आपको पता होगा चौथ और संदेश मुखी क्या चीज है, और जो जिसने वो वीडियो नहीं देखी है सबसे पहले आप वो वीडियोस देखिए, उनके बाद आप ये वीडियोस देखिए, आपको समझ में आएगी। ही हेल्प मराठास फॉर द कलेक्शन ऑफ चौथ एंड संदेश मुखी, संदेश मुखी किसे, फ्रॉम फारूक सियार से, फ्रॉम फारूक सियार से चौथ और संदेश मुखी मांगने के लिए जाते हैं कि हमें इन चौथ और संदेश मुखी की जो कलेक्शन राइट है, जो हमारे राइट है, वो हमें दिए जाए। चौथ और संदेश मुखी किससे बात करते हैं, फारूक सियार से, लेकिन मिलती कब है, बट गॉट इट फ्रॉम रफी उद्दरजात, रफी उद्दरजात इनको राय देते हैं, रफी उद्दरजात किसके पास जाते हैं, फारूक सियार के पास चौथ और संदेश मुखी के लिए,
लेकिन मिलती उन्हें किससे है, रफी उत्तरजात से, ये बालाजी विश्वनाथ यहाँ तक इनका था। उसके बाद है जी बाजीराव फर्स्ट, नाम सुना होगा, बहुत पॉपुलर नाम है, सेकंड नंबर सेकंड डाल दो उसमें, मैंने नंबर फर्स्ट नहीं डाला है, आप डाल दिया करो। बाजीराव फर्स्ट 1720 से 1740, और इस सबसे इम्पोर्टेंट मराठा किंग, मराठा एम्पायर को नई बुलंदियों तक जो है ये ले जाते हैं, बाजीराव फर्स्ट 1720 से 1740। अब बाजीराव फर्स्ट के क्या कहते हैं, ही मेड मराठा किंगडम, मराठा एम्पायर, मराठा एम्पायर रियल हेड है या मराठा के, बाजीराव फर्स्ट क्या है रियल हेड, इन्हें कहा जाता है रियल हेड ऑफ मराठा कॉन्फेडरेसी, रियल हेड ऑफ मराठा कॉन्फेडरेसी। अब ये कॉन्फेडरेसी क्या है, मराठा कॉन्फेडरेसी, कॉन्फेडरेसी इस सिस्टम के अंदर क्या होता है, हर मराठा चीफ को एक टेरिटरी जो है वो असाइन की जाती है, ठीक है। कॉन्फेडरेसी क्या होता है, अंडर दिस सिस्टम मराठा चीफ्स वर गिवन अ टेरिटरी, और मराठा चीफ्स को क्या दी जाती है, टेरिटरी दी जाती है, कौन सी टेरिटरी, जो मतलब अपनी टेरिटरी जो है, हर मराठा चीफ को अपनी एक टेरिटरी दी जाती है, और ये जो होते हैं मराठास कहाँ कहाँ पे इनके, मतलब अब हम मैं आपको जो बताऊंगा, जैसे बड़ौदा जो है, बड़ौदा में होते हैं गायकवाड़ जो होते हैं मराठा चीफ, गायकवाड़, नागपुर में होते हैं भोंसले, इंदौर में जो मराठा चीफ होते हैं वो कौन से होते हैं, होलकर, ग्वालियर में सिंधियास, और पुणे में पेशवा, ठीक है। ये मराठा चीफ्स हैं, इनको टेरिटरी जो है वो असाइन की जाती है, मैंने आपको बताया कौन कौन सी, जैसे बड़ौदा, गायकवाड़, इंदौर, होलकर, नागपुर, भोंसले, ग्वालियर, सिंधियास, और पुणे में पेशवा। अब बाजीराव का विजन होता है, ये चाहते हैं कि वो एक्सटेंड करे मराठा एम्पायर को, एक्सटेंडेड मराठा एम्पायर कहां से कहां तक, राम कृष्णा रिवर इन सोथ, कृष्णा रिवर से लेके कहां तक, जो अटोक रिवर है पाकिस्तान में वहां तक, टू अटोक इन नॉर्थ वेस्ट, यार यहां पे मैं शॉर्ट शॉर्ट जो है वो लिख लेता हूं, आप इसको कंप्लीट जो है वो लिख दिया करें, मैं साथ साथ बोल भी रहा हूं, ट्रांसलेट कर रहा हूं। विजन होता है, ही वाज़ अ विजन ऑफ एक्सटेंडेड मराठा एम्पायर फ्रॉम कृष्णा रिवर इन सोथ से लेके अटोक नॉर्थ वेस्ट की है मराठा एम्पायर को बाजीराव फर्स्ट जो है वो एक्सटेंड जो है वो करना चाहते हैं, ठीक है। और ये कंसेप्ट देते हैं हिंदू पाद पातशाही का, कंसेप्ट ऑफ हिंदू पाद पातशाही, हिंदू पाद पातशाही मतलब जितनी हिंदू रूलर है उनको एक रूलर के अंदर लाना है, जितने भी हिंदू रूलर है उनको एक किंग के अंडर लाना है, मतलब एक किंग जो है वही जो है वो सुप्रीम होगा। अब बाजीराव फर्स्ट के बारे में मैंने आपको बताया था अगर आपने, वही बोल रहा हूँ अगर पहले वीडियोज आपने देखी है, कि जब ये मोहम्मद शाह रंगीला के टाइम ये क्या करते हैं, अटैक करते हैं दिल्ली में, मैंने आपको बताया ना 1737 में क्या कहते हैं, अटैक करते हैं, अटैक ऑन दिल्ली, दिल्ली पे अटैक करते हैं, ठीक है, और अपनी कैपिटल शिफ्ट करते हैं वहां पे सतारा में,
ठीक है, अब तक कहां पे बनाते हैं ये, ले जाते हैं कहां पे, सतारा में, और ये निजाम ऑफ हैदराबाद को हराते हैं पालखेड़ नासिक में, ठीक है, डिफीटेड, यहां पे मैंने लिखा निजाम ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद के निजाम को हराते हैं इन पालखेड़ में, हैदराबाद के निजाम को जो है ये बाजीराव फर्स्ट जो है हैदराबाद के निजाम को कहां पे हराते हैं, कहां पे डिफीट करते हैं, पालखेड़ नासिक में, ठीक है, इसी के नीचे मैं राइट डाउन कर देता हूं, मस्तानी, ये आपने मूवी भी देखी होगी बाजीराव मस्तानी, मस्तानी कौन होती है, इनकी सेकंड वाइफ ऑफ बाजीराव की सेकंड वाइफ, और ये डॉटर होती है किसकी, डॉटर ऑफ छत्रसाल कौन होता है, ये भी मैंने आपको पढ़ाया, छत्रसाल कौन, बुंडेला चीफ, मैंने बताया था जाट चीफ प्यूरामैन, और छत्रसाल जो है वो बुंडेला चीफ, लेटर बुक में मैंने आपको बताया था, ये था बाजीराव फर्स्ट के बारे में बताया था। अब हम आगे चलते हैं, अब बाजीराव के दो बेटे होते हैं, एक रघुनाथ राव, एक बालाजी बाजीराव। अब रघुनाथ राव को क्या रोल है वो भी मैं आपको बताऊंगा, पहले हम आगे चलते हैं, यहाँ तक आप सबको जो है वो क्लियर है, यहाँ तक आप सब नोट डाउन कर लें, अब बढ़ते हैं आगे की ओर। अब जो दूसरे रूलर हैं वो है बालाजी बाजीराव, जो दूसरे रूलर, इनके बाद नेक्स्ट नंबर थर्ड पे जो आते हैं बालाजी बाजीराव, इन्हीं के बेटे हैं, ये आप याद रखना, इन्हीं के बेटे आगे आते हैं, बालाजी बाजीराव या नाना साहेब इन्हें कहते हैं, इनका 1740 तक, और इनका रीन रहता है 1740 से 1761 जो है उनका रीन रहता है, किसका, बालाजी बाजीराव या जिन्हें हम नाना साहेब कहते हैं, ठीक है। अब 1749 में क्या होता है, इनके टाइम में, इन 1749 शाहू जी की डेथ होती है। अब शाहू जी की डेथ के बाद क्या होता है, पेशवाशिप बिकेम हेरिडिटरी, ठीक है, 1749 के बाद पेशवाशिप हेरिडिटरी हो जाती है, डेथ होगी उनकी। अब इसके बाद एक एग्रीमेंट होता है 1750 में, मैंने आपको बताया ना मराठा किंग है, अभी मराठा कॉन्फेडरेसी के बारे में मैंने बताया, इन 1750 संगोला एग्रीमेंट किसके बीच में होता है, पेशवा और मराठा किंग, इन सब के बीच में क्या होता है, एग्रीमेंट होता है संगोला एग्रीमेंट बिटवीन पेशवा हैं और एंड मराठा किंग और पेशवा के बीच में संगोला एग्रीमेंट होता है। अब संगोला एग्रीमेंट में क्या डिसाइड होता है, नौ पेशवा बिकेम द रियल एंड इफेक्टिव हेड ऑफ मराठा कॉन्फेडरेसी। संगोला एग्रीमेंट हो, डेथ होगी शाहू जी की, अब इनके बीच में संगोला एग्रीमेंट हुआ पेशवा और मराठा किंग में, उसमें ये डिसाइड हुआ जो पेशवा होंगे वही जो है रियल और इफेक्टिव हेड होंगे किसके, मराठा कॉन्फेडरेसी में। अब मराठास की पीक है, उसके बाद मराठा जो है वो बहुत पावरफुल है, अब मराठास क्या करते हैं, कंटिन्यू अटैक करते हैं बंगाल बिहार और उड़ीसा में, कंटिन्यूड अटैक करते हैं लगातार, अटैक ऑन बंगाल बिहार एंड उड़ीसा, बंगाल
बिहार और उड़ीसा में। आप हर एक जो है यहाँ पे और भी रूरल मैंने कहा ना आपको और भी रीजन स्टेट आप सब जो है मराठास के इस रूप को देखे जो है मराठास के रूप को देखे डर जाते हैं। अब यहाँ तक आप सबको हो गया है, अब इसके बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे की ओर। अब होती है बैटल ऑफ पानीपत। कौन सी बैटल? थर्ड बैटल ऑफ पानीपत। ये होती कब है? 14 जनवरी 1761। अब बैटल ऑफ पानीपत के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ, वहीं कहूँगा फिर आप बोलोगे बार बार बोल रहे। मेरी अगर आपने पहली वीडियोस देखी है मैंने आपको बताया था बैटल ऑफ पानीपत होती है, होता क्या है कि मुगल तो वीक हो चुके हैं 1737 में नादिर शाह अटैक कर देता है। अब नादिर शाह अटैक करके आपको पता है मैंने बताया कि मुगल एम्परर को इम्प्रिजन कर देता है। अब इंडिया में बहुत सारा पैसा होता है, इंडिया में बहुत सारी वेल्थ होती है और बहुत सारी चीज़ें वो यहाँ से पैसा भी ले जाता है। मैंने आपको कहा था पीक ऑफ थ्रोन भी नादिर शाह ले जाता है। अब नादिर शाह के साथ अहमद शाह अब्दाली होता है। अब ये यहाँ से लूट के ले जाते हैं काबुल में और अपना एम्पायर चला रहे हैं। इन्हें काम काज करने की तो कोई जरूरत नहीं, आते हैं यहाँ पे अटैक करते हैं और पैसा यहाँ से ले जाते हैं। अब जो अहमद शाह अब्दाली है वो कंटिन्यू अटैक करता है 1748 से लेके 1767 तक। मैंने आपको बताया था कि वो अहमद शाह अब्दाली अब कंटिन्यू अटैक करता है। अब मुगल एम्परर वीक है, जैसे मैंने आपको बताया था मुगल एम्परर अहमद शाह क्या करता है, अहमद शाह अब्दाली वहां से अटैक कर रहा है। दो अहमद शाह, एक अहमद शाह कौन सा, ये मुगल एम्परर अहमद शाह, अहमद शाह अब्दाली अटैक कर रहा है, वो एरिया ही नॉर्थ वेस्ट का छोड़ देता है और सारा जो स्टेट अफेयर है वो अपनी माँ के अंडर कुदसिया बेगम के अंडर दे देता है। उसके बाद इमादुल मुल्क क्या करता है कि आलमगीर सेकंड को वहाँ पे जो है एम्परर जो है वो बनाता है। अब आलमगीर सेकंड को एम्परर बनाता है, इमाद क्या होता है, नोबल होता है, इमाद और मराठा पैक्ट करते हैं। इसी टाइम मैंने आपको बताया था इमाद और मराठा जब पैक्ट करते हैं, अब ये पीक होती है मराठा की। पैक्ट इसलिए करते हैं कि हमने नॉर्थ वेस्ट को किससे बचाना है, अब्दाली अहमद शाह अब्दाली के अटैक से बचाना है। अब अहमद शाह अब्दाली क्या करता है, अहमद शाह अब्दाली अलायंस बनाता है अहमद शाह अब्दाली, ये क्या बनाता है, अलायंस बनाता है। ये मिलता है किसके साथ, मेड अलायंस विद शुजाउद्दौला अवध का, शुजाउद्दौला अवध, शुजाउद्दौला अवध और नजीबुद्दौला को इसी ने अपॉइंट किया होता है अहमद शाह ने। नजीबुद्दौला कहाँ का होता है, रोहिला खंड का, रोहिला खंड। अब अहमद शाह अब्दाली अटैक करने वाला मराठा को पता है। अब मराठा जो है एक जो है स्ट्रॉन्ग आर्मी जो है वो डिस्पैच करते हैं किसके अंडर, सदाशिवराव के अंडर। मराठा से करते हैं डिस्पैच्ड एक पावरफुल आर्मी अंडर सदाशिवराव के अंडर आर्मी जो है वो डिस्पैच की जाती है, भेजी जाती है पानीपत की ओर भेजी जाती है। और एक इस आर्मी का एक इंपॉर्टेंट विंग होता है, एक यूरोपियन आर्टिलरी इसके पास इनके पास होती है और उनके हेड होते हैं इब्राहिम खान गाफ़ी। एंड इंपॉर्टेंट क्या होता है, इंपॉर्टेंट विंग होता है इस आर्मी का, वो क्या होता है, एक यूरोपियन स्ट्राइक आर्टिलरी होती है, इसके अंडर होती है इब्राहिम खान गार्दी, उसके हेड अंडर इब्राहिम खान गार्दी मराठा के पास। ठीक है, समझ आया आपको?
पावरफुल आर्मी जो है डिस्पैच होती है सदाशिव राव के अंडर, और एक इम्पॉर्टेंट विंग इस आर्मी का जो ये होता है आर्टिलरी होती है इब्राहिम खान वर्दी के अंदर। अब दोनों फोर्सेस के बीच में जंग कहाँ पे होती है, मैंने आपको बताया है पानीपत में, टू फोर्सेस मेट ऑन पानीपत कब, 14 जनवरी 14 जनवरी 1761 में थर्ड बैटल ऑफ पानीपत होती है, मराठा हार जाते हैं, मराठा डिफीट हो जाते हैं, हार दिए जाते हैं, और इस जंग में 70,000 लोग मारे जाते हैं, मतलब 70,000 मराठे मारे जाते हैं, मतलब अप्रोक्सीमेटली है ये, कोई एकदम मतलब ये एक्यूरेट फिगर नहीं है कितने मारे जाते हैं, लेकिन अप्रोक्सीमेट जो फिगर बताई है वो बोलती है अबाउट 70,000 मराठा डाइड। सब कुछ इस वार में खत्म हो गया। विश्वास राव जो होते हैं, विश्वास राव ये सन होते हैं, बेटे होते हैं किसके, बालाजी बाजी राव के बेटे होते हैं, इसलिए मैं शॉर्ट में लिखूंगा सन, ठीक है, किसके, बालाजी बाजी, वो भी लिख देता हूँ आपको क्लियर हो जाएगा, तो सन ऑफ बालाजी लिख रहा हूँ डाइड, विश्वास राव मारे जाते हैं, सदाशिव राव अभी मैंने बताया ना आर्मी इन्हीं के अंडर होती है ना, सदाशिव राव ये क्या होते हैं, विश्वास राव के कजन होते हैं, ठीक है। इब्राहिम खान गादी कौन है आर्टिलरी, इब्राहिम खान गादी कौन है आर्टिलरी कमांडर, इब्राहिम खान गादी आर्टिलरी कमांडर, आर्टिलरी कमांडर, ये सब जो है इस जंग में जो है वो मारे जाते हैं, मैंने आपको बताया बालाजी बाजीराव, अब इनके बेटे हैं कौन से, विश्वास राव, अब विश्वास राव तो मारे जाते हैं, ठीक है, विश्वास राव यहाँ पे मारे जाते हैं। अब इसके बाद जो नेक्स्ट रूलर आते हैं वो आते हैं माधव राव, और कौन होता है इसके बाद, मैंने आपको कहा था नंबरिंग डाल रहे, नंबर वन पे हो गया था बालाजी विश्वनाथ, फिर बाजी राव, फिर बालाजी बाजी राव नंबर थर्ड पे, अब जो नंबर फोर पे वो होंगे माधव राव, माधव राव रीन का 1761 से लेके 1772 तक 17 साल की उम्र में हेड बन जाते, किंग बन जाते हैं, ठीक है। अब ये एक एवर रूलर है, अब ये क्या कहते हैं, ही डिफीटेड निजाम ऑफ हैदराबाद, हैदराबाद के निजाम को ये जो है माधवराव हराते हैं, डिफीट करते हैं, एंड और ये किसको हराते हैं, एंड ऑल्सो डिफीटेड हैदर अली ऑफ मैसूर, मैंने आपको मैसूर पढ़ाया था कल, वो टॉपिक हो चुका था, और ये किसको हराते हैं, हैदर अली मैसूर की, ओके। अब इनकी डेथ हो जाती है कब, मैंने आपको 17 साल की उम्र में ये किंग बनते हैं, अब इनकी डेथ हो जाती है 1772 में, ही डाइड इन 1772, यहां तक क्लियर है। अब जो उनके बाद किंग बनते हैं नारायण राव 1772 से 1774 के बीच, नारायण राव जो है किंग बनते हैं, जैसे मैंने आपको पहले बताया था, मैंने आपको बाजीराव, अगर आपने अभी अभी देख रहे हो ध्यान से सुन रहे हो, तो मैंने आपको बताया था बाजीराव के दो बेटे हैं थे रघुनाथ राव और बालाजी बाजीराव, अब नारायण राव यहाँ पे 1732-1774 में रूल करते हैं, और उनका मर्डर कर देते हैं रघुनाथ राव, क्योंकि वो पेशवा शिव चाहते हैं ना, वो पेशवा बनने जाते थे, मर्डर्ड बाय रघुनाथ राव क्यों मारते हैं, पेशवा शिव के लिए, वो वांटेड पेशवा शिव,
यहाँ तक आज की वीडियो हम यहीं तक रखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट इसके बाद में आपको मैं जो एंग्लो मराठा वार है वो बताऊंगा, वो हम इसके पार्ट सेकंड में जो है वो डिस्कस करेंगे। यहाँ तक हो गया, मैंने आपको बैटल ऑफ पानीपत के बारे में सारा बता दिया, कैसे बैटल ऑफ जो है वो पानीपत होती है और किन वजहों से जो है ये जो बैटल होती है पानीपत की होती है। आप इस सबको नोट डाउन कर ले और इसका जो है स्क्रीन शॉट ले लें। अब नेक्स्ट वीडियो में मराठा एम्पायर के बारे में सेकंड जो इनकी जो किंग बचते हैं और जो इनकी बैटल्स होती हैं एंग्लो मराठा वार, उसके बारे में हम जो है नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे।